अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ओपिनित पे। आज मैं आप लोगों के लिए CBSE क्लास 10th की उर्दू कोर्स बी के सिलेबस डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को जब वीडियो के ज़रिए मैं सारे चैप्टर्स कवर अप करूँ तो समझ में आ जाए आप लोगों को कि आपके एग्ज़ाम्स में कौन कौन से चैप्टर्स और क्या क्या आने वाला है। यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दोनों के सिलेबस डिस्कस करूँगी आपसे। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पार्ट फर्स्ट के मतलब कि फर्स्ट टर्म के आप लोग के देखते हैं 40 मार्क्स के MCQs बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म में MCQs बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर सेक्शन से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं सिलेबस में। पहला है अनसीन पैसेज, यानी कि ऐसा पैसेज, ऐसा इकतबासात जो आपकी बुक से ना हो, यानी कि आउट ऑफ द बुक हो, तो उससे क्वेश्चंस आएंगे। एक नसरी और एक शायरी से रिलेटेड होंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। दोनों पैसेज से 5-5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। नसरी पैसेज में से 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा और शायरी पैसेज में से दूसरा 5 अशआर दिए जाएंगे। हर पैसेज में इबारत फहमी और शेर फहमी से मुतालिक एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल जवाब और एक सवाल, एक जुमला पर मुश्तमिल जवाब वाले 2 सवाल और मुतबादल जवाब वाले 2 सवाल दिए जाएंगे। यानी ये 10 मार्क्स के होंगे। जो हमारे अनसीन पैसेज होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। सीन पैसेज, दूसरा सीन पैसेज आएगा, ऐसा पैसेज जो आपकी बुक से होगा, जिन्हें आपने देखा होगा, जो बुक से आएगा आपके, वो भी एक नसरी और एक शायरी टॉपिक दिए जाएंगे। दोनों पैसेज से 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। नसरी पैसेज में 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा और शायरी पैसेज में 2 बंद 5 अशआर दिए जाएंगे। हर पैसेज में इबारत फहमी से मुतालिक एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल जवाब वाला 1 सवाल, एक जुमला पर मुश्तमिल जवाब वाले 2 सवाल, मुतबादल जवाब वाले 2 सवाल दिए जाएंगे। तो ये भी 10 मार्क्स का होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे अनसीन पैसेज भी 10 मार्क्स का होगा और सीन पैसेज भी 10 मार्क्स का होगा। तो टोटल 20 मार्क्स हो गए हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। चलिए हम आगे देखते हैं कि हमारे कवायद से किस टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे डिस्कस है फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, फेल मारूफ और फेल मजहूर। इन टॉपिक से आएंगे। इसमें मौर्फ और इसमें नकरा, रमूज व औकाफ, मतजाद और मुतरादिफ अल्फाज, वाहिद जमा, साबका लाइका, इन सारे टॉपिक से हमारे कवायद में क्वेश्चंस अराइज होंगे। तो इन सब टॉपिक पे मैं अलग अलग आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँगी ताकि आप लोगों का माइंड मिक्सअप ना हो और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए और आप एग्ज़ाम्स क्लियरली अटेंड कर पाओ। और ये सारे MCQs बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोगों को जितने भी बुक्स के MCQs है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस करूँगी और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी इनके MCQs के। यहाँ पे मुज़क्कर मुअन्नस वगैरह से भी मुतालिक 1 नंबर के सवाल लात पूछे जाएंगे। अल्फाज, मुहावरे और कहावतों का जुमलों में इस्तेमाल करना ये भी आएगा। 4 कसीरा सवालात मुख्तलिफ, यानी कि आपकी बुक से भी 4 से 4 क्वेश्चंस होंगे ले जाएंगे। ये जो बुक से क्वेश्चंस आएंगे बुक्स के चैप्टर से वो भी MCQs ही रहेंगे। इस बार के सारे जितने भी फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स होंगे वो सारे MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो हम यहाँ पे अब अपने सेकेंड टर्म के सिलेबस देखते हैं कि हमारे सेकेंड टर्म में क्या पूछा जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं हिस्सा बी में क्या क्या क्वेश्चंस आएगा, मतलब कि सेकेंड टर्म में किस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो ये है, इसमें कसे इंतखाबी सवालात 40 नंबर के होंगे, जो 5, 4, 3, 2 नंबर के होंगे। इसमें लगभग 33% इंतखाबी सवालात होंगे। चलिए अब मजमून निगारी में देखते हैं कि हमारा मजमून किस टॉपिक पे आएगा।
तो मज़मून जो ये आएगा आप लोगों को, उनको लगभग 250 अल्फाज पर मज़मून लिखवाया जाएगा जो मंदरजा ज़िल और वनात के तहत दिया जा सकता है। तो मज़मून जो आएगा उन्हें इन टॉपिक्स, मतलब कि उन्होंने ये टॉपिक डिस्कस किया है कि इन टॉपिक्स पे आ सकते हैं। तो क्या क्या उनवानात है देखते हैं। छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन, दूसरा है कौमी त्यौहार, तीसरा है तारीखी मकामात की सैर, चौथा है स्कूल का सालाना जलसा, पांचवा है पसंदीदा शख्सियत, और छठा सेहत और खेल कूद वगैरह। यानी कि अगर मज़मून आ रहा है आप लोगों को तो इतने टॉपिक्स के अंदर या फिर इससे भी बाहर आ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि इन टॉपिक्स के अंदर ही सवाल मज़मून आपको आएंगे। मैं मज़मून भी आपको, मज़मून के लिए भी अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी ताकि वो आपको मज़मून कैसे लिखते हैं या आपको हेल्प करेगी। देखते हैं आगे। आगे है दरख्वास्त या खतूत निगारी। दरख्वास्त या फिर ख़त किन टॉपिक पे आएगा उनको यहाँ पे डिस्कस किया है। तो क्या है, दरख्वास्त आ सकता है फीस माफ़ी पर, सेक्शन बदलने पर, किसी तकरीब में शिरकत की इजाज़त या फिर छुट्टी वगैरह। ख़त निजी रहेगा तो वालिद, वालदा, भाई, बहन, दोस्त व अहबाब वगैरह के नाम पर निजी ख़त आ सकते हैं। दफ्तरी में गांव, सोसाइटी, सेहत और दीगर मसाइल से मुतालिक ख़त आ सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे दर्सी किताब से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दर्सी किताब में दिए गए नसरी इसबाक का खुलासा, यानी कि आपका जो सबक है उसमें खुलासा, यानी कि इस स्टोरी में क्या बोल रहा है उसके बारे में आपको लिखना है खुलासा। मरकज़ी ख्याल, मकासद, पैगाम या फिर मुसन्निफ पर। पैगाम यानी कि इस स्टोरी में आपसे, आपको या फिर उस नज़्म में आपको क्या पैगाम मिल रहा है उसको आपको लिखना है। मुसन्निफ जो स्टोरी राइटर है उनके बारे में आ सकता है लिखने के लिए, जैसे मुंशी प्रेमचंद, ज़ेब तनवी, सैयद एहतशाम हुसैन के हालात ज़िंदगी, तहरीर कहानी के किरदार वगैरह में, यानी कहानी में जो किरदार है उन पर भी आपको लिखने के लिए आ सकते हैं। दो उनवान दिए जाएंगे, इन दोनों में से दो उनवान दिए जाएंगे। किसी एक पर 100 अल्फाज में नोट लिखवाया जाएगा, किसी एक पर 100 अल्फाज में नोट लिखना है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगी अगले वीडियो में। आपको धीरे धीरे सारा सिलेबस कवर अप कर दूंगी। आगे देखते हैं दर्सी किताब में दिए गए शायर इसबाक का खुलासा। शायर इसबाक का खुलासा, मरकज़ी ख्याल, पैगाम, शायर गालिब, इस्माइल मेटी, साहिर लुधियानवी के हालात ज़िंदगी। इन शायर के हालात ज़िंदगी पर नोट लिखने के लिए आ सकता है। इनमें से किसी एक पर 100 अल्फाज में नोट लिखवाए जाएंगे, यानी कि इन सब से किसी एक पर 100 अल्फाज में हमें नोट लिखना है। चलिए तो हम देखते हैं कि आगे जो हमारा सिलेबस रिडक्शन हुआ है, कौन कौन टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है वो आगे दिया हुआ है हमारे बुक में। तो ये जो है नोट यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि थानवी ज़बान की दर्सी किताब मंदरजील इसबाक से सवालात नहीं दिए जाएंगे। कौन कौन से सबक से हमें सवालात नहीं आएंगे वो यहाँ पर है। सबक नंबर 2 बेतकल्लफी, सबक नंबर 9 खुदा के नाम ख़त, सबक नंबर 12 आदमी की कहानी, सबक नंबर 20 इंटरनेट, सबक नंबर 18 काट का घोड़ा, और नज़्म है सबक नंबर 22 कदम बढ़ाओ दोस्तों। तो यहाँ पे इतने सारे जितने भी मैंने सबक आपको बताए नीचे में अभी, वो उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, और बाकी जो ऊपर मैंने आपसे डिस्कस किया उनसे सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इतने सिलेबस को छोड़कर हमने जहाँ ऊपर जो डिस्कस किया उन सारे को हम धीरे धीरे करके वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से हेल्प हो सके और आप अच्छे मार्क्स अर्न कर सको। उम्मीद करूँगी कि आपको इस तरीके से वीडियो प्रोवाइड करूँ जो आपको हेल्प करे आपके एग्ज़ाम में, और आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस पूरा क्लियर करके आओ एग्ज़ाम में। इंशाल्लाह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, और इंशाल्लाह आपके साथ मैं अलग वीडियो में ज़रूर मिलूँगी आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे जितनी वीडियो आए वो सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आती रहे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और
चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे आगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।